नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। देश के आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश को यादगार बनाते हुए इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अमृत महोत्सव के नाम से एक स्वर्ण पदक शुरू करने का निर्णय लिया है। ये स्वर्ण पदक हर वर्ष एकेडमिक्स, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, NCC, NSS सहित सभी विधाओं में ओवरऑल अव्वल स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस कड़ी में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने DAVB कुलपति डॉक्टर रेणु जैन और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। अमृत महोत्सव वर्ष में DAVB द्वारा किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएगी, इसे लेकर पूरी बैठक हुई। सांसद शंकर लालवानी की ओर से एक प्रस्ताव के तहत DAVB ने अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए एक नए स्वर्ण पदक की घोषणा भी की। यह स्वर्ण पदक हर वर्ष उस स्टूडेंट को दिया जाएगा जो पढ़ाई के साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी तरह की गतिविधियों में सबसे ज्यादा अंक हासिल करेगा। हालांकि आपको बता दें, अमृत महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय द्वारा पहले से ही निबंध, पेंटिंग, चित्रकला, वाद विवाद सहित कई सारी प्रतियोगिताएं और गतिविधियां भी की जा चुकी है और इस पर इन वर्ष गतिविधियों की संख्या काफी ज्यादा होगी और ये सभी विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। इस अमृत महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय द्वारा पूरे वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें एकेडमिक, खेलकूद, सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे, साथ ही NCC और NSS के जरिए भी कई सारी गतिविधियां संचालित की जाएगी। हाँ, सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए चुना और ये एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है जिसमें कि क्योंकि आज़ादी के हम 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इस पूरे वर्ष में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसलिए एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने 25वां भी रजत जयंती भी देखी है, स्वर्ण जयंती भी देखी है और अब हम लोग अमृत महोत्सव बनाने जा रहे हैं। तो हमें याद है, हम लोग जब पढ़ते थे, जब हम युवा थे, तो उसमें जो रजत जयंती थी उस समय बहुत उत्साह था सभी में। तो हम चाहते हैं कि वैसे उत्साह के साथ ही आज के हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी पूरे उत्साह से सभी कार्यक्रमों में भाग लें। उनको अभी इतना, जितनी भी आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, जितने बलिदान दिए गए हैं, उनका भी अभी बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो ये सारे कार्यक्रम है जिससे उनके वो भी जागरूक होंगे, उन्हें पता चलेगा कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये स्वतंत्रता हासिल हुई है। तो ये सारे कार्यक्रम है जिसमें बहुत से कार्यक्रम होंगे। एक माननीय सांसद महोदय जी का ही सुझाव है कि 75 वर्ष हैं तो आज़ादी की 75 कहानियाँ उन्हें सुनाई जाएँ। इस तरह के भी कार्यक्रम करेंगे, क्विज करेंगे, मैराथन करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करेंगे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। तो सभी कार्यक्रमों के लिए हम लोगों ने अलग अलग समितियां बना दी हैं जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स का और सभी छात्र प्रतिनिधियों का, सबका उसमें भागीदारी होगी और सब मिलकर पूरे साल ही ऐसे 75 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। होगा, ये एक तरह की प्रतियोगिताएं होंगी या व्याख्यान होंगे जिसमें सभी भाग ले सकते हैं, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हाँ, एक बहुत अच्छा सुझाव एक आया था कि उसमें एक हम लोग सांसद महोदय की तरफ से ही एक नया अमृत महोत्सव के ऊपर एक गोल्ड मेडल शुरू कर रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में विशेष तौर से NCC या NSS के छात्रों में जो बहुत अच्छा कार्य करेगा पूरे इस साल, तो उनको दिया जाएगा। पर ये जो मेडल है ये पूरे हमेशा चलेगा, तो हमेशा जब भी ये मेडल दिया जाएगा हर साल, तो हम इसकी आज़ादी के अमृत महोत्सव की याद में हर साल एक मेडल देंगे। इसके अतिरिक्त जो साल भर प्रतियोगिताएँ होंगी उनमें भी कुछ मेडल या पुरस्कार दिए जाएंगे, वो केवल इसी वर्ष के लिए होंगे, पर जो एक अमृत महोत्सव के नाम से हम एक मेडल शुरू करेंगे वो हर साल चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया कि अमृत महोत्सव का ये जो पर्व है, 75 वर्ष आज़ादी के हुए हैं, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में कार्यक्रम होंगे और उसी आह्वान को देखिए, जिस प्रकार इंदौर हमेशा हर क्षेत्र में नंबर वन रहता है, हमने उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए इंदौर में आने वाले दिनों में किस प्रकार के कार्यक्रम हों उसको लेके आज बैठक भी बुलाई है। और सबसे पहले जो बैठक का हमने रखी थी वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, क्योंकि ये हमारे विद्या का मंदिर है और यहाँ हजारों छात्र जो हमारे भविष्य हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने सबसे पहले VC मैडम से निवेदन किया था कि हम चाहते हैं विश्वविद्यालय इस अमृत महोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उसको लेके मैं प्रस्तावना लेके आया था। अब जो विश्वविद्यालय तय करेगा वो आदरणीय कुलाधिपति बताएंगे।